नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के IPO का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 25 जनवरी 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब देखिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो IPO है वो 18 जनवरी से 20 जनवरी के बीच ओपन हुआ था अप्लाई करने के लिए और यहां पर काफी कम संख्या में लोगों ने इस IPO में अप्लाई किया है। देखिए, ये IPO रेलवे से रिलेटेड IPO था लेकिन उसके बावजूद यहां पर बहुत सारे लोगों ने यहां पर इग्नोर किया है, इसको अप्लाई ही नहीं किया। आपको बता दें कि इस IPO में मात्र टोटल 3.5 टाइम्स ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था जो कि काफी कम है। अगर बात करें इस IPO की लिस्टिंग की तो इस IPO की जो लिस्टिंग है 2 फरवरी के दिन मार्केट में होने वाली है। अगर बात करें इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है सबसे बड़ा फैक्टर बन के सामने आया। यहां पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो काफी कम चल रहा है। अगर कल के दिन बात करें तो 0.40 ही चल रहा है, यानी कि 26 रुपए की इशू प्राइस के मुकाबले ये 0.40 प्रीमियम दे रहा है और 26 रुपए 40 पैसे पर यह लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आज की बात करें तो आज भी करीब इतना ही ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, 40 पैसे, यानी कि आपका जो लॉट है 575 शेयर्स का तो यहां पर करीब करीब आपको 200 रुपए का मुनाफा हो सकता है अगर इतना लिस्टिंग गेन मिला। लेकिन मैंने भी और कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको ये सजेस्ट किया गया था कि अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तभी आप इस IPO में अप्लाई करें वरना आप इसको इग्नोर करें। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने इस IPO में अप्लाई भी नहीं किया क्योंकि वो लिस्टिंग गेन चाहते हैं। देखिए, जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि अगर हम किसी IPO में अप्लाई करें तो उसमें हमको लिस्टिंग गेन मिले और हम उसी दिन निकल जाएँ या फिर 1-2 हफ्ते रख के निकल जाएँ। लेकिन ये ऐसा IPO है कि इसमें आपको सालों साल रखना पड़ेगा तब आपको 20-30% यहां पर मुनाफा होगा। तो यहां पर देखिए, आपको एक और सजेशन है कि अगर ये IPO नीचे खुलता है, यानी कि अगर ये IPO 26 रुपए का जो इसका इशू प्राइस है उससे भी कहीं ज्यादा नीचे ये डिस्काउंट प्राइस पर ओपन होता है और कहीं जाकर आपको 24-25 रुपए पर आपको कहीं जाकर मिलता है या उसके नीचे का भी मिलता है तो निश्चित रूप से आपको अपने पोर्टफोलियो में इस IPO को रखना चाहिए, इस शेयर को रखना चाहिए और लॉन्ग टर्म का व्यू बनाकर इसको होल्ड करना चाहिए। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट कंपनी है और यहां पर ये देखिए धीरे धीरे बढ़ते हैं लेकिन ये कंसिस्टेंट होते हैं और आपको सालाना तौर पर अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। भले ही इसमें लिस्टिंग गेन ना मिले लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप रखें। अगर आपको ये लॉट होता है, आपने गलती से अप्लाई कर दिया था और ये डिस्काउंट प्राइस पर ओपन होता है तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, आपको इस IPO को, इस शेयर्स को होल्ड करके रखना है और जब तक होल्ड करके रखना है जब तक इसका प्राइस ना बढ़ जाए। निश्चित रूप से आपको, आप अगर इस IPO में होल्ड करेंगे, शेयर में होल्ड करेंगे तो आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसी दिन बेचने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको घाटे में बेचना पड़े, यानी नुकसान में बेचना पड़े। तो मेरा यही सजेशन है कि कल इसका जब अलॉटमेंट आएगा तो अगर आपको अलॉट होता है तो निश्चित रूप से आप इसको होल्ड करें। होल्ड करने पर आपको निश्चित रूप से इसमें फायदा होता हुआ नजर आएगा। देखिए, जो मेरा मैंने आपको बताया, ये मेरा सजेशन है। अब आपको क्या करना है, आप उसके लिए फ्री हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।